हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई लेटेस्ट वेब सीरीज़ फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज़। बेसिकली ये इस वेब सीरीज़ का सेकंड सीज़न है, फर्स्ट सीज़न लास्ट ईयर आया था इसका। सो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ की कास्ट की। सो द कास्ट इज़ एज सेम एज द लास्ट सीज़न। कीर्ति कुल्हारी एज अंजना मेनन, सयानी गुप्ता एज दामिनी, कुर्बानी एस उमंग सिंह एंड मानवी गगरू एस सिद्धि पटेल। अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी के बारे में। बेसिकली स्टोरी लास्ट सीजन में जहां ख़त्म होती है उसके 4 मंथ्स के बाद से ये वेब सीरीज़ में स्टार्ट होती है। लास्ट सीजन के एंड में लीड एक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जो कि इस सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में रिजॉल्व हो जाते हैं एंड टुगेदर दे आर बैक अगेन। अंजना, दामिनी, उमंग, सिद्धि जो कि एक प्रिविलेज सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, ये इस वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश करी गई है। हर इंडिविजुअल कैरेक्टर अपनी अपनी लाइफ के इश्यूज के साथ डील कर रहा है, जैसे कि उनके लव लाइफ्स, उनके हार्ट ब्रेक्स, उनके प्रोफेशनल लाइफ्स के अप्स एंड डाउन्स, उनके एम्बिशंस एंड उनकी इनसिक्योरिटीज़ के साथ। इवेंचुअली इसके क्रिएटर्स कितने सक्सेसफुल हैं अनप्रिविलेज्ड वुमेन की लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखा पाने में, ये आपको इस वेब सीरीज़ के देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट्स गुड अबाउट द वेब सीरीज़। सो कीर्ति कुल्हारी एंड शायनी गुप्ता दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एंड प्रीवियसली दोनों ने पिंक एंड आर्टिकल 15 जैसी मूवीज़ में काफ़ी इम्प्रेस करा है। इस वेब सीरीज़ में भी इन दोनों ने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्ले करा है। इसके अलावा मानवी गगरू ने स्पेसिफिकली स्टैंड अप कॉमिक वाला पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करा है। इसके अलावा अगर सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो नील भूपालम एज वरुण, मिलिंद सोमन एज आमिर, सिमोन सिंह एज स्नेहा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। वेब सीरीज़ बॉडी शेमिंग, LGBTQ एंड ऑफिस कल्चर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे टॉपिक्स को भी टच करती है। अब बात करते हैं व्हाट्स बैड अबाउट द वेब सीरीज़। तो वेब सीरीज़ की स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले बहुत वीक है एंड बिलो एवरेज इसके डायलॉग्स हैं। कहीं कहीं स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि हद बोरियत महसूस होती है आपको। एक्टिंग की बात करें तो मानवी आपको बीच बीच में ओवर एक्टिंग करती नज़र आएंगी। कुर्बानी, जिन्होंने ट्रेनर की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से पिकअप करी है, बट उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत फ्लैट है। आई डोंट थिंक कि इनके क्रिएटर्स कहीं से कहीं तक भी जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा पाए हैं। इस वेब सीरीज़ के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को अमेज़न के ही मेड इन हेवन ने बहुत अच्छे से कवर करा था एंड बहुत रियलिस्टिकली प्रिविलेज सोसाइटीज़ के इशूज़ के बारे में दिखाया था। एंड अगर आपने उसको नहीं देखा है सो डू चेक दैट आउट। इसके अलावा इसकी स्टोरी को लास्ट में ऐसा ट्विस्ट दिया गया है कि इसका 3rd सीज़न भी हमको देखने मिल सकता है। सो ऑल एंड ऑल 10 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज, जिसके एपिसोड्स की एवरेज ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट है, इज श्योरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने समहाउ इसको सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि इसका रिव्यू मुझे बनाना था। इसके अलावा इसको देखने की कोई खास वजह होती नहीं है अनलेस अनटिल आपका कोई फेवरेट एक्टर इस वेब सीरीज में काम कर रहा हो तो। इवन दो अगर आप सॉफ्ट पोर्न या फिर सेक्स सीन्स के लिए भी ये वेब सीरीज देखते हैं या इसको प्रेफर करते हैं सो इट इज़ टोटल अ डिसअपॉइंटमेंट। सो जस्ट सेव योर टाइम एंड डेटा फॉर समथिंग डिजर्विंग। आई रियली होप कि आपको इस वेब सीरीज़ का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में ऐसे ही लेटेस्ट वेब सीरीज़ का रिव्यूज़ देखने के लिए और टॉप 10 रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।